बायएनटी न्यूज, आप देख रहे हैं बायएनटी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मेरा भाईंदर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के कार्याध्यक्ष सैयद मुशफ्फर हुसैन के मार्गदर्शन के अनुसार युवक प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे के सूचना अनुसार और मेरा भाईंदर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीप काकड़े के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को कंबल, किताब और अनाज देकर इंदिरा गांधी के कार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूथ कांग्रेस इंदिरा गांधी के कदमों पर कदम रख भारत की सेवा के लिए कटिबद्ध है, इस तरह का प्रण लिया। इस कार्य में कुणाल काटकर, रवि खातर, अली शेख, अशफाक शेख, रेहान सैयद और सुहान शेट्टी मौजूद थे। मीरा भाईंदर युवक कांग्रेस की टीम ने आदरणीय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जयंती अवसर पर पूरे शहर में अपना योगदान देने की कोशिश की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन अनुसार और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत दादा तांबे की सूचना अनुसार शहर में अलग अलग जगहों पर ब्लैंकेट्स, फूड पैकेट्स और स्कूल के साहित्य का वाटर। हमारे कई सारे सहकारियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत जी का कड़ा योगदान इस पूरे सेवा में रहा है। हमारे कई सहकारियों ने उत्तन, भाईंदर पश्चिम, मीरा रोड के भारती पार्क, हमारे ओला माजेवड़ा के विधानसभा अध्यक्ष महेश मात्रे जी ने आज़ाद नगर, गोल्डन नेस्ट, भाईंदर पूर्व, साथ ही में काशीमीरा, काशीगांव, इन अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की मदद की। खास तौर पे हाईवे पे जो लोग साहित्य बेचकर, कुछ ना कुछ बेचकर अपने पेट की भूख शमाने के लिए कार्य करते हैं, हमने कोशिश की है कि कंबल देकर उन्हें इस कड़ाके की ठंडी में कुछ आसार दिए जाए। भारत की सेवा में युवक कांग्रेस कटिबद्ध है और इंदिरा जी के कदमों पर कदम रख युवक कांग्रेस का हर सहकारी भारत के हर तबके के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा डटा रहेगा।